आजकल समाज के अंदर जो है लोगों ने दहेज प्रथा बना रखा है और तभी खुशी नहीं है। लोग करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके जो है लोग दहेज मुक्ति करवा रहे हैं और दहेज दे रहे हैं और वो भी दहेज जो है सक्सेस नहीं हो रहा है। हमारे गुरु जी संतराम बाजी महाराज ने ऐसी दया कर रखी थी, परमात्मा की दया से सारा कुछ जो है मालिक की दया से सब कुछ छिपा गया। दोस्तों नमस्कार, सत साहिब, राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आज की इस नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरा नाम है शिवानी और मैं हूँ देहरादून उत्तराखंड से। तो आज बालावाला नामदान सेंटर में एक और भक्त की रमणी होने जा रही है। तो आज फिर से हम उस रमणी का पार्ट बनने जा रहे हैं, मतलब रमणी में शामिल होने जा रहे हैं, उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे तक। और जिनकी रमणी है उनका नाम है प्रांजल दास, उत्तरकाशी से, और उन्हीं की भगतमती है, मतलब भगतमती क्या अभी उन्होंने नाम नहीं, दीक्षा नहीं ली है संत रामपाल जी महाराज जी से, पर रमणी के बाद जल्द ही जिस दिन उनको ज्ञान समझ आ जाएगा उस दिन वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर लेंगी। तो उनकी, उन दोनों की रमणी है। और जो लड़का है मतलब कि भगत, उनने प्रांजल दास, वो उत्तरकाशी से हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है। तो अभी उनकी रमणी होने जा रही है नामदान केंद्र में। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में आखिरी तक, जिससे कि आपको हम आगे आने वाली मतलब ऐसी वीडियो में आपको आखिरी में बताएंगे कि मैं इंटरव्यू लेंगे उनका या उनसे पूछेंगे कैसा उनको लगा, कैसा उनका अनुभव है इस रमणी में और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनका क्या विचार है, वो मैं हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी। अच्छा है भारत में तो अच्छा है। सच्चा है आएंगे ना लड़की वाले जो अभी आए। अच्छा
अच्छा है भगत जी, ये दूल्हा यहाँ मुंह धोते हुए। ये दूल्हे की मम्मी है, तो आपको कैसा लग रहा बताओ, आपके लड़के की रमेणी हो रही है दहेज मुक्त। नशा उतर जाएगा जब ये चीज आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देगी तो ड्रामा हम करते। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे मां दुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर जाए और किस भी गलिया पास आवे, और जिन आते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हादसा वे, अपना परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को, तत्व ज्ञान रहा नहीं, सदग्रंथों का ज्ञान हम तक पहुंचा नहीं, लोग वेद बना करके हमारे को ऐसे दंत कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं। तो पुण्यात्मा अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला। कबीर साहब कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंट लिया सो दिन लेखा जान, और बाकी जन्म गवा दिया बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको उपदेश मिल गया आपका वो जीवन मनुष्य का, उस दिन से जन्म समझ लेना, उससे पहले आपका मनुष्य जीवन नहीं था लेकिन शरीर बेसिक मनुष्य का था। जा दिन सतगुरु भेंटिए सो दिन लेखा जान, बाकी समय व्यर्थ यात्रा बिना गुरु के नाम। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम। कौन कुर्बान नरक निर्विशन
काल जाल में बंधना निर्लय कम निज नीर गुण बेसुन स्वाम सुरति समाप्त सकल समाना नीरत उदयर वे गणनायक देवन देवा चरण कमल रौलांत कर सेवा पर संगे संगीता मंगल रूप मुरारी भंडारी स्वर्ण मुनि जन गर्मा विष्णु महेशा गावय गणेशा कुबेर सरिका वरुण धर्म राजा सुमरत देवत जी का मन इच्छा फल पाव तेतीस कोटि अदारा मूर्ति श्वेत सिंहासन इंद्र जल बादल दरियाई चरम कोट की हुई चढ़ाई सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी अंत पद्म नगर बड़ भागी कृष्ण पारा घट गई उनकी फांसी संत पुरुष समरथ ओंकारा अदली पुरुष कबीर हमारा आदि युगादि दया के सागर काल कर्म के मोचन आगर दुख बंधन दरवेश दयाला असुर निकंदन कर पैमाला आग खाक पावक और पौना गगन सुन दरियाई दोना धरनाए दरबानी चेरा सूर्य सरो का कर निबेरा सत्काराज धर्म राय करनी अपना किया सबे नन बरनी शंकर से सर्व गर्मा विष्णु नारद सारद जाहु नरसनम गौर देवर गणेश गुसाई पारद सकल से जगपतानो वाक्य सुने वाल्मीक सुर बाचा मंदा पांडव युग द्वापर की सुंदा नारद पूर्व ऋषि कुरुगाना मारकंडे रूमीर सियाना इंद्र ऋषि भक्तालब स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और पाला गुरु चंदर गोरख वाला कर्तरि गोपी चंदा योगी सुल्तान तम है सब रस भोगी नर हरिदास पदय बलि भीषण व्यास वचन परमानी सीखा रामायण रैदास रसीला कोय जाने अवगत लीला पीपा तना चले बाजीता सेऊ संभल मोर परीता दादू नानक नाद बजाए मलुक दास तुलसी चले आए कमाल मन और सुर ज्ञानी रामानंद के है परमाली मीरा पाई और कमाली मिलनी न जय दे दे ताली नास के तुम की ब्रह्मारा उदार मुनि भक्त जुहारा साहेब तख्त कबीर कवासा दिल्ली मंडल ने जय बासा सतगुरु दिल्ली मंडल आसी सोती धरणी सोम जगासी कागम सन छतर के आगे गदरव कर जलत मेरा गे साक्षी कृष्ण पाचो पांडो भारती समाजी मंगल मंगल कलियुग की आदि में चांद कंस मारे थे देवता की आदि में हिरणा पुष्प सारे थे बलि की विलासी सुरपति पुकारे थे पावन स्वरूप दर्पिणी सुरपति पुकार बलि में कलियुग की आदि महाराष्ट्र की अंत है दुर्लभ का
आचारित कोई संत प्रेम योगी वाला कंत है। दिल्ली के जगत छत्र पेड़ भी फिराए सी खेल गुप्ता से मंजन सब पेन मेल राज वाला पुरुष गुर दिखलाए सी आवे गया तक फिर से दीवाना काबुल का काल के फिल्म है दुर्गा नाम खिल के लिए मुकार कला ऐसा पुरुष आया कहता है गरीब दास दिल्ली मंडल को इलाज नहीं करूंगा। ऐसा पुरुष आया कहता है गरीब दास दिल्ली मंडल को इलाज नहीं करूंगा। सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कछु बहने व्यापे काल जाल भय मिट जाई रोग शोक सब शिखर न व्यापे सम्मुख ना ठहराई जय अग्नि तन निकट में आवे दूरी रात निगाई वीर बताल पान ना लागे जमके कोट डाई अठानवा पुण उठ ना लागे उठ तई कर खाई बैर करे सोए दुख पावे स्वर्ग सुरत मिल जाई कहे कबीर हम दम दल पेला सतगुरु नाथ दुआई बैर करे सोए दुख पावे स्वर्ग सुरत मिल जाई कहे कबीर हम दम दल पेला अपने जो जिम्मेदारियां होती बच्चे पालने में पैसा सती प्रथा का अंत हुआ था। राजा राम मोहन राय जी ने उस समय लोगों से बहुत लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हैं, पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था जिंदा। लेकिन उस समय के जो ससाई देखिए इनकी रमेणी हो चुकी है, आइए जानते हैं इनसे इन्हें कैसा लगा रमेणी करके। ससाई जी आपको परमात्मा की शरण में आके कैसा लगा और रमेणी के पर्पज से बताइए कुछ कैसा लगा आपको रमेणी करके। सच्चाई भगत जी आपको रमेणी करके कैसा लगा। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सामने रमेणी करके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा भगत, मैं ठाकुर जी से जुड़ा हूँ 2016 से। साहिब भगत जी जैसे आजकल दहेज वो मतलब लोग इतना आडंबर रहते हैं शादी में, इतना पैसा खर्च करते हैं उसके बाद भी उनकी शादी सक्सेस नहीं होती है, मतलब कि कुछ टाइम बाद होता है किसी का डिवोर्स हो जाता है किसी का कुछ होता है, तो मतलब आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़े हुए और बिल्कुल दहेज मुक्त, मतलब एक रुपया भी आपने नहीं दिया, तो मतलब आपको क्या लग रहा है क्यों आपने ये वाली शादी की? आपने जैसे आजकल लोग शादी कर रहे इतना पैसा लगा के, आपने वो वाली शादी क्यों नहीं की? देखो जी हमारा संत रामपाल जी महाराज का नियम है या यहाँ जो भक्ति मार्ग का नियम है कि एक रुपये न लेना न देना, क्योंकि हम गुरु जी से जुड़े हैं। अगर हम पैसा लेंगे तो कोई ये लेंगे जैसे दहेज लेंगे तो पीछे से और समाज भी ऐसे करेगा, इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने स्वच्छ मिशन बनाए, ये हमारा गुरु जी ने बताई हमको भक्ति। और मैं गुरु जी से भी जुड़ा हूँ 2016 से, नाम दीक्षा ले रखी मैंने और इससे पहले भी बहुत रमेणी देखी है मैंने दहेज मुक्त। आज गुरु जी की दया से मेरी भी दहेज मुक्त रमेणी हुई है जी, बंदी छोड़ दी दहेज। और इनको आपको कैसा लग रहा है, मतलब जैसे आप आपकी भी इच्छा होगी कि बोल के मैंने जगत के हिसाब से शादी करनी है, जैसे आजकल लोग मेकअप करते हैं इतना 16 श्रृंगार करते हैं उसके बाद शादी करते हैं, आपका मन नहीं था ऐसे शादी करने? भगत जी आपकी लड़के और लड़की की जैसे रमेणी हो रही है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार, मतलब दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब समाज को क्या संदेश देना चाहते हो उसके बारे में? सत्साहेब जी हमें जो है पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की दया से बहुत बढ़िया लग रहा है, बगैर दहेज मुक्ति शादी एक रुपये देना ना लेना परमात्मा की दया से हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। आजकल जो लोगों में दहेज प्रथा बना रखी है, हमारे गुरुजी ने हम पे इतनी दया कर रखी है कि एक रुपये देना ना एक रुपये लेना परमात्मा की दया से हमें जो है बहुत खुशी है। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करें।
आपको सरल सुनता है हम परमात्मा, एक रुपये न लेना न देना कुछ।